हम मौजूद हैं नागपुर के एसटी स्टैंड में, जहां एसटी महामंडल कर्मचारियों की हड़ताल अभी भी जारी है। जो उनकी मांग है सरकारी विलीनीकरण की, वो अभी भी जारी है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा जो निलंबन की प्रक्रिया है कर्मचारियों के, वो लगातार जारी है, दिनों दिन बढ़ते जा रही है। आज 450 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, उस पर एसटी कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया है, जो यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, हम जानते हैं उन्हीं से। सर, राज्य सरकार द्वारा जो निलंबन की प्रक्रिया जारी है, इसके पहले भी निलंबित किया गया था कुछ कर्मचारियों को, जिन्होंने आखिरकार आत्महत्या जैसा एक रास्ता अपनाया, तो आज 450 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? निलंबन का ये करने से उनको क्या, संपर्क जो हमारा जो दुखड़ा है उसको वो प्रेशराइज कर रहे हैं, इसी वजह से कि ये कहीं ना कहीं टूट जाए इनको। मगर हमारे अभी इतने मजबूत लोग हैं कि आप कुछ भी, कितने लोग भी सस्पेंड करें तो हम पीछे हटने वाले में से नहीं है। कुछ दिनों पहले वेतन वाढ़ी की जो घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी मांग, आप अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, आप अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, उसका असर कहीं ना कहीं कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि निलंबन की प्रक्रिया सरकार द्वारा जारी है, तो उस पर आपका क्या कहना है? जो सरकार ने वेतनवाड़ दिया है, वो वेतनवाड़ जो है समाधान धारक नहीं है, और जो बाकी कर्मचारी को वो अमान्य है, और उसके वजह से वो जो कर्मचारी दुकाना संपर्क में है वो अभी पीछे हटने वाले नहीं है। आपकी इस मांग के चलते कहीं ना कहीं जो सामान्य नागरिक है उन पर भी असर पड़ा है, कर्मचारियों पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ा है, क्योंकि सरकार तो निर्णय लेते जा रही है निलंबन के, कहीं ना कहीं उन वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं। सामान्य नागरिक जो है आज वो प्राइवेट बसेस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? हम सामान्य नागरिक से क्षमा मांगते हैं इसके लिए, लेकिन हमारी जो मांग है शासन में विलीनीकरण की, ये सरकार को इस पे यानी विचार करना चाहिए हमारी मांग पे, कि इसका विलीनीकरण करना चाहिए और शासकीय वेतन देना चाहिए, क्योंकि हम रोज जो है कर्म वो प्रवासी लोगों की हम सेवा देते हैं उनको, और ये ना नफा ना टोटा में चल रही एसटी, तो इनके लिए टोटा ना नफा है, तो जो टोटा हो रहा तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए शासन ही जिम्मेदार है। 450 कर्मचारियों को फिर से निलंबित किया गया है राज्य सरकार द्वारा, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो तो 450 नहीं, वो पूरे सब कुछ करने वाले हैं निलंबित, और कितने भी निलंबित किए, पूरे एसटी महामंडल डिसमिस क्यों नहीं किए, एंड डिसमिस भी करेंगे तो भी हम अपने संपर्क में ठाम रहेंगे, यानी हम अपना संपर्क चालूच रखेंगे, चाहे कुछ भी कर लो आप। और दूसरी बात मैडम, अभी हमारे को मालूम पड़ा कल से न्यूज पे चल रहा है कि मेस्मा लगाने के लिए उनका प्रोसीजर चालू है, तो हमारा कहना ये की है कि मेस्मा ये हमारे को किस बेस पे लगा रहे हैं? यदि मेस्मा लगा रहे हैं तो हमारे को वो बोल रहे हैं कि अभी अत्यावश्यक सेवे में आप आते हैं, यानी इमरजेंसी सेवे में आप आते हैं, तो इमरजेंसी सेवे में अगर हम आते हैं तो कोरोना पीरियड में हमने गाड़ियाँ चलाए, हमारे 321 कर्मचारी गुजर गए, तो उनको इसका लाभ क्यों नहीं दिया गया? जो 50 लाख का बीमा जो दिया था कि जो अत्यावश्यक कर्मचारी को मिलना चाहिए था, वो एक को भी नहीं दिया गया, और हमारे को हमने माहिती अधिकार में मांगा है उनको, तो उन्होंने हमारे को यही दिया है लिख के कि आप अत्यावश्यक सेवे में नहीं आते, इसलिए आपको वो लाभ नहीं मिल सकता। तो जब हम अत्यावश्यक सेवे में आते ही नहीं, तो हमारे को हमारे ऊपर मेस्मा लागू पड़ता ही नहीं, इसके लिए आपको पहले हमारे को अत्यावश्यक सेवा में लेना पड़ेगा, यानी शासकीय कर्मचारी आपको घोषित करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको अत्यावश्यक सेवा लगाना पड़ेगा, उसके बाद में आप फिर मेस्मा लगा सकते हैं, यही हमारा कहना है। जो 450 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, इसके पहले भी निलंबन प्रक्रिया हुई है, जिसके चलते कुछ कर्मचारियों ने आत्महत्या जैसा रास्ता अपना लिया है, तो इस निलंबन प्रक्रिया पर आप राज्य सरकार को क्या कहना चाहोगे? राज्य सरकार को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो अब तक के 47 जो कर्मचारी है वो गुजर गए हैं, वो शहीद हो चुके हैं, अब तक शहीद हो चुके हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा जो लड़ा है, हमारा जो विलीनीकरण का लड़ा है, वो हम आगे बढ़ाएंगे। और राज्य सरकार को मैं इतना कहना चाहता हूँ कि चाहे आप साम दंड भेद किसी भी प्रकार का आप हमारे ऊपर उपयोग कर लीजिए, कि हम डटे रहेंगे, क्योंकि हमारा विलीनीकरण हमको चाहिए, और वो हमारा हक है, और हक
लेंगे हम, और जो हक है वो लेने के बाद ही हम यहाँ से उठेंगे। तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। जो हमारे जो परब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है परब जी, उन्होंने कहा है कि हमारे पर मेस्मा लगाएंगे। हम तो कहते हैं कि सर हमारे पर मेस्मा मत लगाइए, हमारे पर है ना जो कार्रवाई करनी चाहिए, हमारे को फांसी पर चढ़ा दीजिए आप इधर डिपो में आकर। हम तब भी हम इधर डटे रहेंगे जब तक कि हमारा विलीनीकरण एसटी में हो जाता नहीं, तब तक हम यही रहेंगे और यहाँ से हटेंगे नहीं। कल माननीय परिवहन मंत्री अनिल परब जी ने कहा है कि कर्मचारियों के मेस्मा कायदा लागू करेंगे। उनके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो कर्मचारी अत्यावश्यक सेवक में आते हैं उन पे ही ये कायदा लागू होता है, जबकि 6 महीने हमारे या एक जनता की तरफ से एक राइट टू एक्ट में पूछा गया था कि ये कर्मचारी अत्यावश्यक में आते हैं या नहीं, तो उसमें राइट टू एक्ट की इन्फॉर्मेशन में हमारे पास जानकारी है, उसमें दिया है कि ये कर्मचारी अत्यावश्यक में आते नहीं है। आप देख सकते हैं, ये क्लियर दिख रहा है, देख लीजिए। जब हमारी लड़ाई उसी के लिए है कि हमको पहले आप सरकार में विलीन कीजिए, उसके बाद ही हमारे को एक्ट लागू होगा। हमारी लड़ाई उसी के लिए है। कोरोना में हम लोगों ने जो सर्विस प्रोवाइड की है उसके अंदर का उन्होंने, राज्य सरकार ने पहले बोला था कि जो अदर डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको 50 लाख का इंश्योरेंस दिया था। कोरोना तो कोई इंसान देख के तो कोरोना ये नहीं हो रहा है, हर किसी को, चाहे वो डॉक्टर रहे, इमरजेंसी सर्विस में आने वाले हर कोई है। अगर उसमें अगर हम सर्विस दे रहे तो हमको भी वो बेनिफिट मिलना चाहिए था 50 लाख का। उसमें हमको 5 लाख क्यों, हमारी जान की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपये लगा रहे, ये तो गलत है ना। हमारी लड़ाई जो है वो हमारी हक की लड़ाई है और हम अंत तक लड़ेंगे, तब तक हम पीछे नहीं जाएंगे। और एक चीज़ इसमें बोलना है, कोई भी कर्मचारी किसी भी कर्मचारी पर प्रेशराइज नहीं कर रहा है। जो कोई है अपने हक के लिए खुद होके यहाँ पे बैठा हुआ है, और जब तक उनको उनका हक मिलेगा नहीं तब तक कोई अपने काम पे जाएगा नहीं। हमारा जो ये लड़ाई चालू है, ये जो 47 कर्मचारी हमारे अभी शहीद हो गए वो भाइयों के लिए लड़ाई चालू है। जब तक के हमारे को सरकार में विलीन करेंगे नहीं तब तक के उनको न्याय मिलेगा नहीं, और हम ऐसे ही डटे रहेंगे और विलीनीकरण का लड़ा हमारा चालू ही रहेगा जब तक के हमारे को सरकार में लिया नहीं जाता है और हमारे भाइयों को न्याय मिलता नहीं है। तब तक हम यहीं पे खड़े रहेंगे और बैठेंगे और हमारा आंदोलन ऐसा ही चालू रहेगा। निलंबन की प्रक्रिया जारी ही है, दिनों दिन जारी चलते आ रही है, चल रही है। आज 450 कर्मचारी निलंबित किए गए हैं, कल 500 हो सकते हैं, तो आप राज्य सरकार को क्या कहना चाहोगे इस पर? मैडम हम यही बोलेंगे, आज 450 किए हैं, कल 4500 करो, पूरे 92,000 करो, हम तैयार है उसके लिए। पर हमारा लड़ा जो विलीनीकरण का है वो लेके ही रहेंगे हम। परब साहब जो धमकी बता रहे हैं, तुमको मेस्मा लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, वो उनके तरफ से जारी रहेगा, हमारे तरफ से हमारा लड़ा जारी रहेगा। हमारा लड़ा जो विलीनीकरण का है हम वो लेके ही रहेंगे। कामगार एक जुटी जा, विजय असो। कामगार एक जुटी जा, विजय असो। हम सब एक है, हम सब एक है। एसटी के शासना दिल्ली करो, खाले पाहिजे, खाले पाहिजे। एसटी के शासना दिल्ली करो, खाले पाहिजे, खाले पाहिजे। असा कसा देत नाही, गेले शिवाय राहत नाही। असा कसा देत नाही, गेले शिवाय राहत नाही। हम सब एक है, हम सब एक है। तो जैसे कि आप सबने देखा, कर्मचारी अपने हड़ताल पर अड़े हुए हैं, राज्य सरकार अपने जिद पर अड़े हुए हैं, लेकिन दोनों के बीच जो सामान्य नागरिक है उनका मरना जरूर हो रहा है। बस आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राजेश के साथ जोया खान, नागपुर।